नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार एनी टाइम। अभी हम आए हुए हैं श्री रघुनाथ पासवान के निकट, जो पार्टी कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल का है, थाना चौक काटी के पास, जहां आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जहां आज यहां के स्थानीय विधायक व बिहार सरकार के मंत्री माननीय मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी जी का भी आगमन होना है। उनके साथ साथ यहां कांटी के जो श्री राम बाबू शाह जी है, यहां के प्रभारी हैं, उनका आगमन हो चुका है। प्रखंड अध्यक्ष और सभी राजद के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ हो चुका है। अब से कुछ ही मिनटों के बाद यहाँ आदरणीय पूर्व मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का, जो गरीबों के ठाकुर कहे जाते हैं, उनका जयंती समारोह मनाया जाएगा। पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और विशेष उद्गार भी सभी लोग व्यक्त करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ ये लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस सभा में विराजमान छोटे बड़े सभी भाई चाचा और माता बहनों, मैं विशेष कुछ क्या कहूँ कर्पूरी जी के बारे में। कर्पूरी जी के सपने को अगर किसी ने उतारा है धरती पर, इस बिहार में लालू प्रसाद यादव के बाद नीतीश कुमार जी उतारने का काम किया, आगे नीतीश तेजस्वी यादव भी उतारने का काम करेंगे। किसी ने उतारने का काम नहीं किया है। गरीबों गरीब गुरबों का सोचने का काम और किसी ने किया है तो लालू प्रसाद यादव जी के बाद नीतीश कुमार जी, उसके बाद तेजस्वी यादव जी सोचने का काम किया है, किसी ने नहीं सोचने का काम किया। हमारे महापुरुष अच्छे बात बताते हैं और उनको तोपने के लिए सामंतवाद नए नए षड्यंत्र रच रहे हैं। आरक्षण देने का साथियों, हम कहना चाहते हैं साथियों, इस कर्पूरी जी के सोच प्रमाण पत्र दिखाइए भी, क्या है, क्या चीज है ये? जन नायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर बच्चों के द्वारा एग्जाम लिया गया है और जिसमें वे अच्छे परिणाम लाए हैं, उनको इस प्रमाण पत्र के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा, जो मंत्री जी के द्वारा दिया गया है। ये कौन से संस्था के द्वारा किया गया? एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर कांटी मुजफ्फरपुर। कितने बच्चे इसमें भाग लिए? इसमें 30 बच्चे भाग लिए थे, जिसमें 3 बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्थान पर आए हैं, उनको पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान है सूरज कुमार, द्वितीय स्थान है पायल कुमारी और तृतीय स्थान है स्वीटी कुमारी, चतुर्थ स्थान है मोहम्मद शाहिद। आयोजक के प्रमुख लोग है सौरभ कुमार, अभिषेक कुमार। अभी देखिए कि बिहार सरकार के माननीय मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार सरकार, कि किस प्रकार से संविधान बचाओ देश बचाओ के संकल्प पत्र को भर रहे हैं। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और गरीबों के ठाकुर, जन जन के मसीहा, जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह के अवसर पर संकल्प पत्र को भर रहे हैं और स्वयं अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं। इस प्रकार के संकल्प पत्र सभी यहां के जितने प्रतिभागी हैं सभी भरेंगे। हम जानना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि आज का कार्यक्रम क्या है और इनका संदेश क्या है, तो हम न्यूज़ बिहार इन टाइम की तरफ से हम जानना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से। आज हम लोगों की महान विभूति, स्वतंत्रता सेनानी, जन नायक आदरणीय ठाकुर जी की जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं और वो पैदल 7-7-10 किलोमीटर पैदल शिक्षा के लिए जाते थे। जब उनको दरभंगा के एक स्कूल में उन्होंने कॉलेजिएट का जब एडमिशन लिया तो उनको 4 बजे भोर में उठ करके और जाना पड़ता था, ट्रेन से उसके बाद भी पैदल जाना पड़ता था। तो उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा का महत्व किया और ऊंच नीच का जो भेदभाव था समाज में, उस भेदभाव के खिलाफ उन्होंने लड़ने का काम किया और गरीब बच्चे भी पढ़े आगे बढ़ करके, इसलिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा जो है सो अपने जो मुख्यमंत्री काल में निःशुल्क शिक्षा मैट्रिक तक देने का उन्होंने प्रावधान। सामाजिक अभाव में पलते हुए और चुनौतियों को सामना करते हुए इतने ऊंचे पद पर पहुंचे, बिहार के 2-2 बार मुख्यमंत्री बने और जो पूरे बिहार की जनता को इस तरह के अभाव से न ग्रसित होना पड़े निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया, ऐसे मंत्री जी का हम लोग जयंती समारोह मना रहे हैं। लेकिन एक सवाल आता है सर कि देश
सभी लोग आपसे जानना चाहते हैं, बिहार राज्य की जनता भी जानना चाहते हैं कि आप लोग बता रहे हैं देश बचाओ संविधान बचाओ और ये नारा दे रहे हैं, तो आज देश किस खतरे से गुजर रहा है इसके विषय में कुछ बता दीजिए। आज अगर हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे हैं तो यह देश के संवैधानिक ढांचा जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने देने का काम किया था, वो एक देश का ऐसा संविधान था आज़ादी के बाद, उस संविधान के कारण आज सबसे वंचित तबके के लोग और इतने कमज़ोर वर्ग के लोग भी शिक्षा हासिल कर करके और राज्य के सर्वोच्च पद पर बैठने का काम किया था, यह संविधान का देन था। और आज की परिस्थिति में जिस तरीके से संविधान पर हमला किया जा रहा है, दलित शोषित वंचितों को उनके जो है सो हक और अधिकार छीना जा रहा है, इसलिए इसको हम लोगों ने संकल्प दिवस, संविधान बचाओ संकल्प दिवस के भी रूप में मना रहे हैं और तमाम लोग जो है सो कि अपना शपथ व्रत कर रहे हैं कि जब तक हम रहेंगे जीवित रहेंगे तब तक इस देश के संविधान के आँच नहीं आने देंगे। हमारे साथ इस प्रखंड के प्रभारी राम बाबू जी हैं, आप बताएंगे कि कितने लोग इसमें प्रतिभागी हो रहे हैं और क्या संकल्प? इसमें पूरे प्रखंड कमेटी के लोग और सभी कांटी प्रखंड के सभी पंचायतों के पंचायत अध्यक्ष प्लस कमेटी के लोग, उसके अलावा राष्ट्रीय जनता दल और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में आस्था रखने वाले तमाम लोग यहां आए हुए हैं, जिनके जेहन में है देश और संविधान को रक्षा करना है करने का, वो तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं, आज संकल्पित होकर हो रहे हैं कि देश और संविधान का रक्षा करेंगे। आज कर्पूरी जी का जयंती है और पार्टी राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मनाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, उसी के तद्वान में आज कांटी प्रखंड में मनाया जा रहा है। कर्पूर जी शोषित दलित एवं गरीबों के मसीहा थे और बड़े लोग मुख्यमंत्री तो बहुत हुए, लेकिन कर्पूर जी की जो सोच थी वो गरीबों की सोच थे और बिहार को आगे बढ़ाने का सोच था, इसीलिए आज हम लोग इस जयंती को मना रहे हैं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड अध्यक्ष आदरणीय श्री सुरेंद्र राय जी से, आज जननायक कर्पूरी जी का जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। इस समारोह में संविधान बचाओ देश बचाओ का हम लोग का मुख्य कार्यक्रम है और हम लोग यहां आके संकल्प लेंगे कि कैसे संविधान बचा और देश बचाया जाए, इसके संबंध में हम लोग चर्चा करें। आज हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के प्रांगण में देश के एक जननायक कहलाने वाले एकमात्र आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का हम लोग जयंती मना रहे हैं। इस जयंती में कांटी के राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू और तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता यहां उपस्थित हुए हैं। हाँ, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सज्जू वारसी हुआ, मैं कांटी कोठिया ग्राम से आया हूं। यहां आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती मनाने के लिए आया हूं और हम सब यहां संकल्प लेते हैं कि गरीब शोषित को जो भी परेशानी हुई है उन पे हम लोग कर्पूरी जी के कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। और क्या संदेश देना चाहते हैं, अपना नाम के साथ बताइए। मेरा नाम अमर मेहता हुआ, घर लसगरीपुर, हम राजद पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता हैं। यहाँ संकल्प पत्र आप पर दस्तखत किए हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह में आए हैं। हमारा एक ही बात कहना है अपने तमाम बिहारवासी हिंदुस्तानवासी से, जी अपना इतिहास जब तक आप याद नहीं करिएगा भविष्य आपका अच्छा नहीं होगा। जो भी साथी हैं घबराएंगे नहीं, सब लोग के यहाँ नाश्ता वगैरह का व्यवस्था किया गया है, सब लोग नाश्ता वगैरह करके जाएंगे, ऐसा नहीं, और सफाई कार्रवाई अभी चलेगी। आदरणीय मंचा सिंह हमारे चीफ गेस्ट है, बिहार सरकार के मंत्री मोहम्मद इस्माइल मंसूरी साहब, आज हम लोग के इस जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह कांटी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय पर आए और आप तमाम लोग यहां उपस्थित हुए, सभी लोगों का आभार प्रकट करते हुए आप सबों को नव वर्ष का शुभकामना देते हैं। मैं राम बाबू शाह, जिला महासचिव और आपके कांटी प्रखंड के प्रभारी हूँ,
मंत्री जी को अभी जाना है मरवण में, लोग इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से, इसलिए आग्रह है कि मंत्री जी के जाने के बाद भी सभी लोग जिस शांति से, जिस तन्मयता से सुबह 11 बजे से आप लोग हैं, थोड़ा देर के लिए शांति बना के रखेंगे। जो भी बक्ता भाई का नाम बच गया है, सभी लोग को बोलने का मौका मिलेगा और आप लोग के लिए नाश्ता का ही व्यवस्था किया गया। आग्रह है कि कोई भी व्यक्ति बिना नाश्ता किए हुए नहीं जाएंगे। साथियों, आज हम लोग किस महान विभूति के जयंती मनाने के लिए आए हैं। गर्व से सीना चौड़ा होता है कि हम लोग उनका जयंती मना रहे हैं और वे हमारे पूर्वज थे। दोस्तों, किसी ने कहा है, करती है फरियाद धरती कई हजारों साल, करती है फरियाद धरती कई हजारों साल, तब जाकर पैदा लेते कर्पूरी जैसे लाल। साथियों, अगर अमिताभ बच्चन के बेटा हीरो बनते हैं बड़ा, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं, चूंकि उनके पिता भी हीरो थे। लेकिन आपके एक झुग्गी झोपड़ी के लाल अगर छोटा भी हीरो बनता है, तो यह होगा हकीकत और यह बहुत बड़ा उपलब्धि। वैसे ही स्थिति में जिस समय बिहार में गरीबों के बीच आवाज नहीं था, शिक्षा और जागरूकता नहीं था, किसी तरह का जानकारी नहीं था, बिहार के 90% दलित शोषित उपेक्षित अकलियत समाज के लोग को मालूम ही नहीं था कि राजनीति क्या है और संविधान में मेरा अधिकार क्या है। हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब काफी संघर्ष कर झोपड़ी से निकल करके और मुख्यमंत्री के कुर्सी तक जाते हैं और जब पावर मिलता है, तो उसके तरफ इन्होंने देखने का काम किया जिनकी आबादी बिहार में 90% है और उस समाज के सभी वर्गों से पिछड़े हुए थे, और उनके आगे बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने एक नहीं छोड़ा। और याद रखिएगा साथियों, कुछ करवा बात है तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ, अगर दो बार कोई किसी पंचायत का मुखिया बनते हैं अभी कलयुग में, तो एक ऐसा किला बनाते हैं जिसमें बाघ भी नहीं जा सकता है। अगर संयोग बस बाघ घुस गया तो बाघ को निकलना मुश्किल होता है। लेकिन हमारा आदरणीय महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जब चीफ मिनिस्टर बने, उस समय भी उनका ऐसा ही घर था कि एक तरफ से कुत्ता घुसता था तो दूसरे तरफ निकलने में उसको कहीं परेशानी नहीं होता था। ऐसे महान लोगों के जयंती मनाने का हम तमाम साथियों को अवसर मिला है, इससे बड़ा खुशी और उपलब्धि के बाद दूसरा क्या हो सकता। साथियों, यक्ष ने पूछा था युधिष्ठिर से आश्चर्य क्या है, युधिष्ठिर महाराज ने जवाब दिया था, इस संसार में जितने प्राणी जन्म लेते हैं सबको मरना निश्चित है, फिर भी मृत्यु के बाद परिजन शोक मनाते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है। याद कीजिए मेरे दोस्तों, वही आश्चर्य नहीं है, दूसरा भी आश्चर्य है कि 200 वर्षों तक जिस हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बना कर रखा और उसे आजादी दिलाने के लिए हमारे पूज्य बापू महात्मा गांधी ने कमर तोड़ आंदोलन के द्वारा अंग्रेजों को सात समुद्र भगाने का काम किया, वैसे महापुरुष को यही आरएसएस के लोगों ने गोली से छल्ली करने का काम किया। और उतना ही नहीं, इस देश के लोग अगर आरएसएस और बीजेपी को वोट देते हैं जिन्होंने हमारे पुरखे को हत्या करने का काम किया, तो ये भी आश्चर्य से कम का बात नहीं कि मेरे साथियों। अब ये समंती शक्तियां भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग एक बहुत बहरा गहरा साजिश किया है कि जो भारत के संविधान में मेरा अधिकार लिखा हुआ था, जिसको बाबा साहब ने दिया था, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने उजागर करने का काम किया था, लागू करने का काम किया था, और उस संविधान को गरीबों का जो हक था लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाने का काम किया, उसको एक बहुत गहरा साजिश के तहत ये सभी लोग संविधान को बदलना चाहते हैं और मनु स्मृति को लागू करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर देश प्रेमी है, इस हिंदुस्तान से मोह मानता है, जो हिंदुस्तान कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था, जहाँ पर गंगा जमुनी संस्कृति है, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख
ईसाई सभी भाई भाई की तरह रहते हैं, एक षड्यंत्र कर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इस देश को टुकड़ा टुकड़ा करके और बाबा साहब के संविधान को हटाकर मनु स्मृति लागू करना चाहते हैं। इसलिए आज जन नायक की जयंती के पर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जिंदा रहूंगा तब तक आरएसएस और भाजपा वाले समझ लो तुम्हारा मनसूबा कभी सफल नहीं होने देंगे और बाबा साहब के द्वारा लिखा हुआ संविधान को कभी नहीं बदलने देंगे और देश को टुकड़ा टुकड़ा होने से कभी नहीं होने देंगे। इन्हीं तमन्नाओं के साथ जय हिंद जय भारत। और जन नायक कर्पूरी ठाकुर क्या थे, उनको हम क्यों याद कर रहे हैं? तमाम प्रमुख वक्ताओं ने बारी बारी से इस बातों को रखने का काम किया है। जन नायक कर्पूरी ठाकुर एक साधारण नाई परिवार में पैदा लिए थे और इनके पिताजी गोकुल ठाकुर एक साधारण दाढ़ी बनाने का काम करते थे, हजामत का काम करते थे और वैसे परिवार से निकल करके आज जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहली बार उप मुख्यमंत्री भी हुए और दो दो बार मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। आखिर ये हमारा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान इस देश को दिया है, इस देश के संविधान से यह साबित होता है कि कोई भी चाहे जिस तबके का लोग हो, गरीब हो अमीर हो, रानी हो या मेहतरानी हो, तमाम लोगों को अगर वह परिश्रम और इच्छा शक्ति ईमानदारी और निष्ठा से अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है उनको सफलता हासिल होगा और देश के सर्वोच्च से सर्वोच्च पद पर भी वह बैठ सकते हैं। ये साबित करके दिखाया है जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी इतने तकलीफ के जीवन जिए, उनको अपना प्रारंभिक शिक्षा लेने के लिए 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था और जब उस शिक्षा उनको लेना था दरभंगा के एक कॉलेज में उन्होंने एडमिशन कराने का काम किया तो 4 बजे सुबह ही भोर में उनको उठ जाना पड़ता था, पैदल जाकर के वह ट्रेन पकड़ने का काम करते थे, फिर वहां सुबह पैदल स्कूल कॉलेज जाने का काम करते थे। इतनी बिकट परिस्थिति में भी उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल किया और उस समय जिस समय वंचित समाज का लोग, गरीब गुड़वा दलित पिछड़ा समाज के जो अभावग्रस्त लोग थे उसमें शिक्षा दीक्षा लेना आसान बात नहीं था। बच्चे थोड़ा बड़े होते थे उनको मजदूरी के कार्य में लगा दिए जाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस परिस्थिति में भी आप आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी मैट्रिक के परीक्षा में अव्वल दर्जे से फर्स्ट डिवीजन उन्होंने पास करने का काम किया था। तो एक बड़ी बात हो गई थी, उनके पिता बाबूजी काफी खुश हो गए थे कि मेरा बेटा मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन किया और बड़ी खुशी के साथ वो अपने मालिक के दरबार में जाते हैं और बोलते हैं कि मालिक मालिक देखू मेरा बेटा ही कर्पूरिया मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन कर लेलकै। उनके पिताजी का खुशी का ठिकाना नहीं था, वो खुशी के साथ गए थे कि मालिक के द्वारा हमको कुछ पुरस्कार मिलेगा, हम और हमको जो है आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा, मालिक के द्वारा सवासी मिलेगा। लेकिन उनके मालिक के द्वारा उन्होंने टेबल पर पैर रख दिया और कहा कि ये कर्पूरिया तोहर बेटा मैट्रिक पास कर गए लोग हो, लेकिन एक काम पैर है दबावे के और कर्पूरी ठाकुर के कहो कि आओ तुम हमारा पैर दबाने का काम करो, चाहे तुम जितना पढ़ लिख लोगे तुमको वही काम करना पड़ेगा। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और ज्ञान के बदौलत और स्वतंत्र आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, राम मनोहर लोहिया मधुली में जैसे महान लोगों के साथ उन्होंने अपना सफर तय किया और ईमानदारी और निष्ठा के साथ सफर तय किया तो उनको बिहार का दो दो बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। साथियों कहने का मकसद यह है कि आप घोर अभाव की चिंता नहीं कीजिए, आप घोर अभाव में भी जिस तरीके से अम्बेडकर जी ने कक्ष के बाहर रह करके दरवाजे से बाहर रह के खिड़की के बाहर रह करके और शिक्षा और दीक्षा का ग्रहण कर करके देश को सर्वश्रेष्ठ संविधान देने का काम किया, आज उनको भी हम लोग याद करते हैं। तो हम कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन के अवसर पर
हम तमाम बैठे साथियों से और मीडिया बंधु के माध्यम से भी लोगों को कहना चाहेंगे कि शिक्षा बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और शिक्षा से बड़ी कोई हथियार नहीं है। शिक्षा वो दूध है जो जो शेरनी बनाने का काम करता है।